एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। अभी 4 बज चुका है, तो नूरा की पप्पी जा रही है, मम्मी जा रही है और मैं जा रही हूँ। तो मम्मी कुछ सामान लेगी, तो मैं सोची कि चलो मैं भी घूम के आती हूँ, क्योंकि घर में रह रह के बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा सा मार्केट वगैरह घूम के आऊँगी ना, तो अच्छा भी लगेगा। और साथ में बाबू जा रहा है, तो बाबू को भी रेडी कर दी हूँ, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और आज सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और आप लोग को भी ले चलते हैं। हमारा छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो चलिए आप लोग भी घूम के आइएगा। तो चलिए चलते हैं, और हम लोग जाएंगे टोटो रिक्शा से। हमको टोटो रिक्शा बहुत पसंद है, जैसे कि ऑटो रिक्शा से भी ज़्यादा मुझे टोटो रिक्शा पसंद आता है। तो रिक्शा आ चुका है। सिर्फ मेरा ना बहुत इच्छा है ढेकी से कैसे मतलब वो चावल बनता है, आपको दिखाऊंगी। देखती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और पीछे से देखिए कितना लाइट आ रहा है, अभी 4:30 हो चुका है टाइम। तो चलिए चलते हैं। मम्मी अभी बात कर रही है, अड़ोस पड़ोस में आती है ना तो बात करती है। देखिए तो मम्मी अभी बात कर रही है, अड़ोस पड़ोस की जो होती है ना काकी। तुम जाती बारो ना, तुम जाती बारो नुदाई चला जाओ, तो तुम जाती बारो चलते हवे थोड़ा कोन किना जामी दुख एक तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। कल मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, एक्चुअली मैं मार्केट में जाके वीडियो बनाना ही भूल गई थी। जो भी हो छोड़िए, तो आज देखिए मैं कितना सुबह सुबह उठ गई हूँ, अभी तक धूप भी नहीं हुआ है। और मैं जल्दी जल्दी उठ गई हूँ इसलिए क्योंकि आज मुझे जाना है, यानी कि आज मैं चली जाऊँगी, हस्बैंड आएंगे मुझे लेने के लिए। तो देख लीजिए मैं किस तरीके से ब्रश कर रही हूँ, एकदम पूरा आंगन में घूम घूम के। और इतना बड़ा सा आंगन है ना, तो घूम घूम के ब्रश करने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा वहाँ पे आंगन वंगन नहीं है ना, बालकनी वगैरह है, तो बस बालकनी में झांक के देखो वगैरह। लेकिन इस आंगन में घूमने का जो मज़ा है ना, वो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए थोड़ा सा सुबह में टहलना भी हो जाता है और ब्रश करना भी हो जाता है। और अभी देखिए मम्मी बना रही है नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं, 12:30 हो गया था इनको आते हुए, तो ढाई घंटा लगता है, लेकिन थोड़ा सा लेट करके ही निकले थे, तो इसीलिए 12:30 इनको आते हुए बज गया था आते हुए। और आज ही हम रिटर्न जाएंगे, 4:30 के करीब निकल जाएंगे। और पैकिंग वगैरह सब कुछ मैं कल रात में करके रखी थी, मुझे पता था ये आएंगे जल्दी जल्दी में, चलो 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 करेंगे, तो इसीलिए सब कुछ मेरे समेटना हो गया है। और यहाँ पे देख लीजिए एक कबाड़ी वाला आया था, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और सब बच्चों देखिए यहाँ पे आके जो पिगी बैंक नहीं होता है वो ले रहा है, तो मेरा बाबू भी लिया है। और सच में मतलब गांव में ही सब मतलब व्यू देखने को मिलता है, कबाड़ी वाला आना, उसके पास से सामान खरीदना, कुछ पुराना चीज़ दे के कुछ नया चीज़ लेना, ये सब सच में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी बचपन में ऐसे ही करते थे, कबाड़ी वाला आता था ना तो बहुत खुश हो जाते थे, उसके पास से एक मॉडर्न कोटकोटी बोलते हैं उसको हम लोग, तो वो खाते थे और कुछ कुछ चीज़ लेते थे। तो ये सब देख के ना सच में वो बचपन का यादें आ ही जाता है। तो देखिए जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन मैं नहीं रहती हूँ ना, तो इसीलिए ये सब आते हैं ना, तो सच में वो बचपन का यादें आ जाता है। और देखने में मतलब कुछ ख़रीदारी करने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड इसलिए कर लिया ताकि मैं बाद में देखूँ तो मुझे अच्छा लगे। और यहाँ पर देखिए सीमा बाजी कुछ ख़रीद रही है अपनी बेटी के लिए, और बाबू ने लिया है पिगी बैंक, मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी ना वहाँ पे जाके वो कौन सा पिगी बैंक लिया है। तो देखिए इनके पास बहुत सारा सामान था और सब पुराना चीज़ देखिए ये सामान दे रहे थे, ऐसे पैसा देके भी दे रहे थे।
सो गाइस देख लीजिए अब मैं कहाँ पे आ गई हूँ। जी हाँ, तालाब साइड में आ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मछली पकड़ रहा है। तो उसी मामा जी मुझे बुलाने गई थी, बोले कि ये मछली पकड़ रहा है, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेना और मछली लेके भी जाना। तो इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और इस तालाब को देख लीजिए, ये तालाब जो है ना, मतलब बहुत पहले के बात बोल रही हूँ, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम ये तालाब ना बहुत बहुत सुंदर था और इसमें पानी भी बहुत हुआ करता था। पता नहीं अभी इसको ना, इसको गड्ढा करके एकदम से छोटा कर दिया है। इसका जो मतलब पूरा डिज़ाइन जो बोलते हैं ना आकार, वो ही चेंज कर दिया है। पहले बहुत अच्छा मतलब हुआ करता था ये तालाब, तो अभी ऐसा हाल हो गया है इस तालाब का। तो देख लीजिए अभी मछली पकड़ा है। तो चलिए आप लोग को नज़दीक से जाके दिखाती हूँ कि कितना मछली पकड़ा है। एक तो माँ मुख खुल से ऐ ऐ मुख खुल से माँ ये देखो एक तो ऐ ऐ माँ से मुख खुल से मुख खुल से देख मुख खुल से देखिए ऐ ऐ माँ से मुख खुल से देखिए ना बो 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 कुछ चीज़ ना जाली टुकड़ी चुप कर ओके ओके चल दो हाथ हाथ चढ़ो एक तो छुट्टा अच्छे हाथ दियो ना बेटा गाइज। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। यही है वो शॉप जहाँ पे नोरिन ओरिन और बाबू दिन भर चॉकलेट बिस्किट केक उन लोग खाता रहता है, यानी कि इस दुकान में दिन भर का उन लोग का आना होता है। तो ये देख लीजिए, ये है हमारा घर और ये घर के जस्ट सामने में है ये सोरा अंकल का दुकान। तो आज मैं भी आई हूँ क्योंकि मुझे खाना है पान। अंकल का दुकान पे पान भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो बहुत मन कर गया पान खाने के लिए। तो मैं पान लेके गई और यहाँ पे पता है एक बात हो गया था, क्योंकि मुझे पान खाते हुए देख के सीमा बाजी और रोज़ उन दोनों को भी मन कर गया, तो मैं दोबारा से आई हूँ पान लेने के लिए। और यहाँ पे देख लीजिए अंकल का दुकान में सब चीज़ मिलता है, सब्ज़ी से लेकर के ग्रॉसरी पान सब कुछ मिलता है। छोटा सा दुकान है लेकिन बहुत सामान है। तो देखिए ये वो अंकल, मतलब सोराब अंकल, तो वो अभी पान बना रहे हैं हम लोग के लिए, हम लोग खाएंगे। और ये देख लीजिए मैं निकल चुकी हूँ और इस बीच में कोई भी व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिज़ी हो गई थी और थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी, तो इसीलिए व्लॉग बनाना मैं भूल गई थी। और जैसे ही मैं गाड़ी में उठी ना, तब मुझे याद आया कि मैं व्लॉग तो शुरू कर चुकी हूँ, उसको मुझे कंटिन्यू करना है। तो फिर से मैं मतलब कैमरा उठा के रिकॉर्ड करने लगी। और अभी देखिए एकदम से धूप मेरे चेहरे पर पड़ रहा है क्योंकि अभी टाइम हुआ है 4। तो सूरज देख सकते हैं आप लोग आगे में है, मतलब सामने में है, क्योंकि हम लोग पूरब से पश्चिम तरफ जा रहे हैं और अभी 4 बजे सूरज है। लेकिन अभी जैसे ही थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, तो पूरा रात लग जाएगा और मतलब जब हम लोग पहुँचेंगे ना तो रात ही हो जाएगा। तो निकल चुके हैं, अभी हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, तो आप लोग भी साथ में चलिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग गाड़ी में हैं और काफ़ी रास्ता आ चुके हैं। अभी पेट्रोल पंप पे वहाँ पे खड़े हैं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। और जैसे कि लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, रात हो चुका है, लेकिन अभी पता है कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6। हम लोग 4 बजे निकले थे और अभी 6 बज रहा है और काफ़ी रास्ता आ चुके हैं, मतलब अभी आधा घंटा में हम लोग पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ एक जगह में रुके थे जहाँ पर हम लोग चॉप पकौड़ा वगैरह खाए थे। आज
दो दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैं बहुत बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई। और घर का हालत मैं आप लोग को क्या बोलूँ, इतना ख़राब होके रखा था, हर जगह में कपड़ा इधर उधर गिर के था, घर में इतना झूल था और पूरा घर मतलब फर्श में ना एकदम, मैं चल रही हूँ ना पूरा काला काला उठ रहा है, ब्लैक ब्लैक जैसा कोयला का डस्ट, यहाँ पे कोयला खोनी है तो कोयला का डस्ट जैसा था। तो उस सबको साफ करते करते सच में ऐसे थकी हुई थी और ऊपर से घर को साफ करते करते और ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग का एंड भी नहीं की हूँ और आप लोगों को कुछ दिखाना भी है तो सोची चलो दिखा देते हैं। तो देखिए मम्मी ने मुझे कितना सुंदर साड़ी दी है, ये वाली साड़ी मम्मी ने मुझे दी है इस बार, ये देख लीजिए, ये पल्ला है और पूरा साड़ी का कलर अलग है। ये रानी पिंक का पल्ला है और इधर देख लीजिए पूरा ये साड़ी पूरा इस तरीके से है। और ये साड़ी कांजीवरम है, प्योर कांजीवरम जो होता है ना एकदम सा वो है। पूरा साड़ी में इस तरीके से ऐसे होके है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ऐसे है। और इसका बॉर्डर देख लीजिए इस तरीके का है, पल्लू के जैसे ही बॉर्डर है इसका। और ब्लाउज पीस भी इस तरीके से है, मतलब सेम ऐसे ही ब्लाउज पीस है इसका। तो ब्लाउज पीस तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को, जस्ट साड़ी दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा साड़ी में इस तरीके से है, क्या दिखाऊं। और बस इसका जो पल्ला है ना ये बहुत खूबसूरत है, ये देख लीजिए। तो ये साड़ी पता है मैं जब गई ना तो तभी मुझे मम्मी ने दे दी थी। और इस साड़ी को आप लोग को पता होगा मैं किस टाइम पहनी थी, जब मैं रोज मेकअप करवाने गई थी ना तब मैं वो साड़ी पहनी थी। तो इस साड़ी को पहनते हुए मेरे एक बार हो चुका है। और ये देख लीजिए मैं डाल के देख लेती हूँ कैसा लग रहा है, सच में सुंदर है, बहुत सुंदर है ये साड़ी, ये देख लीजिए। तो मम्मी ने मुझे इतना सुंदर साड़ी दी है। तो चलिए और बाकी कुछ नहीं रहा, उस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। होप कि आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन का जो ऑल है ना उसको क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय करो बाबू, बाय।